हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिटिल जियोलॉजिस्ट। इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ रेस्पिरेशन के बारे में। बच्चों, अगर आपने रेस्पिरेशन के बारे में पहले पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, ये लेक्चर देखोगे तो आपकी रिवीजन अच्छे से हो जाएगी। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो लेक्चर पूरा एंड तक देखना है, साथ में नोट्स भी बनाने हैं। ये सारे काम तो करने ही हैं आपको, लेकिन साथ के साथ आप सभी को एक काम और करना है, वो है लेक्चर को लाइक करना है, शेयर करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक नहीं किया है तो। रेस्पिरेशन ब्रॉडली एक प्रोसेस है इनहेलेशन का और एक्सहेलेशन का। इनहेलेशन का मतलब है सांस अंदर लेना, एक्सहेलेशन का मतलब है सांस बाहर छोड़ना। सांस जब हम अंदर लेते हैं तो हम कौन सी गैस को इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन को। यहीं छूटते एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछ लिया है अभी कि सर एक बात बताओ, आपने बोला कि हम इनहेलेशन में ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, और भी तो गैसेज हैं एयर में, हम हवा को इनहेल कर रहे हैं तो और भी तो कई सारी गैसेज हैं, फिर आप ऑक्सीजन कैसे बोल रहे हो? तो बच्चे देखो, एयर में सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सी गैस है? ऑक्सीजन, इसीलिए हम ऑक्सीजन को बोल रहे हैं। दूसरा रीज़न ये है कि देखो, हमारे अंदर जो सेल्स के पास जो गैस पहुंचती है वो और कोई गैस नहीं पहुंचती है, वो सिर्फ ऑक्सीजन ही पहुंचती है, तो इसलिए हम ऑक्सीजन को ही बोलते हैं कि हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया है। एंड एक्सहेल कौन सी गैस को किया है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड को। ये चीज़ क्लियर हुई? ये तो एक पार्ट है, ये तो एक फेज़ है रेस्पिरेशन का, ये एक स्टेज है रेस्पिरेशन का। दूसरे स्टेज में क्या होता है? अब भाई, जो ऑक्सीजन को हमने इनहेल किया उसका इस्तेमाल करके हमें एनर्जी चाहिए। हमें क्या चाहिए? एनर्जी। एनर्जी कैसे चाहिए? फूड को बर्न करने पर, फूड को बर्न करने पर। फूड है उसको हम करेंगे बर्न। बर्न किसकी हेल्प से करेंगे? ऑक्सीजन की। आप सभी को पता ही होगा कि किसी भी चीज़ को जलाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की इम्पोर्टेंस यहाँ भी आ रही है बहुत ज़्यादा। इतनी चीज़ क्लियर है? बहुत अच्छी है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के दो टाइप होते हैं, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड का ब्रेकडाउन होता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप देख सकते हो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट किया गया पाइरूवेट में, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। साथ ही साथ कुछ एनर्जी भी रिलीज हुई है, साथ ही साथ कुछ एनर्जी भी रिलीज़ हुई है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया कितनी एनर्जी रिलीज़ की, तो मैं भी नहीं बता रहा आपको। कुछ एनर्जी रिलीज़ हुई, फिर हुआ क्या कि माइटोकॉन्ड्रिया में ये पाइरूवेट कहाँ गया? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है हमारी? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के साथ इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। किसका ऑक्सीडेशन हुआ? पाइरूवेट का ऑक्सीडेशन हुआ। तो हमें बाई प्रोडक्ट क्या मिला? बाई प्रोडक्ट मिला कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 38 ATP। ये इम्पॉर्टेंट है, 38 ATP। अब आप बोलोगे सर ये एनर्जी है? हाँ ये एनर्जी है। ATP क्या है? ATP है ये हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी। क्या है? एनर्जी करेंसी है हमारी बॉडी की। ये चीज़ क्लियर हुई? ATP की फुल फॉर्म क्या है जल्दी से कमेंट में बताओ, आगे तो मैं आपको बता ही दूंगा, फिलहाल आप बताओ मुझे कमेंट में ATP की फुल फॉर्म क्या है। क्लियर है इतना? बहुत अच्छे। अब बच्चों, आप एक चीज़ नोटिस करोगे जब आप आगे भी पढ़ोगे कि यहाँ तक ये जो प्रोसेस है ना, ग्लूकोज से पाइरूवेट, मतलब जो साइटोप्लाज्म में होने वाला काम है वो कॉमन है, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो। तो एरोबिक में क्या हुआ? ग्लूकोज को कन्वर्ट किया पाइरूवेट में, जो कि है 3 कार्बन मॉलिक्यूल। सेम एनएरोबिक रेस्पिरेशन में होगा। अब देखो, एनएरोबिक रेस्पिरेशन का जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो, ऑक्सीजन हो बहुत कम या ना ही हो, ना के बराबर हो बिल्कुल, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसमें जो रेस्पिरेशन होगा वो होगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। देखो जरा कैसे, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में देख लो जरा। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ये यीस्ट के अंदर होता है, ठीक है, अल्कोहल वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। देखो ये प्रोसेस तो सेम है, मैंने आपको बताया था ना, ग्लूकोज से पाइरूवेट, पाइरूवेट के साथ एनर्जी मिल रही है, ये प्रोसेस कॉमन है, चाहे कोई सा भी प्रोसेस हो, एरोबिक हो या एनएरोबिक हो, जो चेंज हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में, यीस्ट में ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो क्या रहा है कि जो पाइरूवेट है उसको किस में बदल दिया गया? इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में एंड 2 ATP मॉलिक्यूल में। अब आप बोलोगे सर कैसे? तो देखो बच्चे, इसके लिए कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो ये काम करते हैं।
वो इसी काम में आते हैं, ठीक है। तो कौन से एंजाइम है वो आपको जानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपके लेवल पे बिल्कुल नीड नहीं है, तो मैं बताऊंगा भी नहीं, ठीक है। अगर आपको फिर भी क्यूरियोसिटी है, पता है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। नेक्स्ट आता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहाँ होता है? ये होता है हमारी मसल्स में, ये होता है मसल्स में। कब होता है? देखो, जब हम वर्कआउट करते हैं, रनिंग करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाती है, कमी हो जाती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो वहाँ पे होता क्या है कि जो पाइरूवेट है उसको किस में बदल दिया जाता है? लैक्टिक एसिड में बदल दिया जाता है, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है एंड एनर्जी। अब इससे होता क्या है, जो लैक्टिक एसिड बनता है ना, ये हमारी मसल्स में डिपॉजिट होने लगता है, एंड मसल में डिपॉजिट होता है तो हमें क्या होती है, थकावट फील होने लगती है, ठीक है, फटीगनेस फील होने लगती है। किसकी वजह से? इस लैक्टिक एसिड की वजह से। इतना क्लियर हुआ बच्चे? बहुत अच्छी बात, क्लियर हो गया। तो ये जो मैंने जितना भी आपको बताया है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ये उसकी पूरी समरी है, ये है उसकी पूरी समरी। एंड ये एग्ज़ाम में 5 मार्क में क्वेश्चन पूछा गया है। 2015 में क्वेश्चन आया था सीधा उठ के कि बताओ कि कौन कौन से पाथवे हैं जिससे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, तो तीनों पाथवे बताने थे, एंड 5 मार्क्स क्वेश्चन, 5 मार्क्स आराम से मिल गए बच्चों को, ठीक है। बच्चों, ये चीज़ क्लियर हुई आपको? बहुत अच्छे। अब यहाँ पे एनर्जी, एनर्जी बार बार आ रहा है, यहाँ पे एनर्जी बार बार आ रहा है। ये एनर्जी क्या है? एटीपी की फॉर्म में। क्या है? एटीपी की फॉर्म में। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एटीपी की फुल फॉर्म है बच्चों, एडीनोसाइन, एडीनोसाइन, ठीक है, एडीनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। क्या है? ट्राई ट्राई फॉस्फेट। क्या है? ट्राई फॉस्फेट, एडीनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, ये है एटीपी की फुल फॉर्म। एटीपी में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं एडीनोसाइन के साथ जुड़े होते हैं। तो होता क्या है, एडिनिन के साथ जुड़े होते हैं बेसिकली। तो होता क्या है, यहाँ पे जो 3 फॉस्फेट ग्रुप हैं, ये जब टूटते हैं ना, तो क्या करते हैं, ये एनर्जी रिलीज़ करते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एनर्जी करेंसी बोला जाता है। ये एनर्जी करेंसी है, एंड इन्हीं की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में इन्हीं की फॉर्मेशन होती है। अब चीज़ क्लियर है आपको? एटीपी की फुल फॉर्म होना भी चाहिए बच्चों, क्योंकि एग्ज़ाम में एटीपी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, ठीक है। एटीपी का फंक्शन क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इतनी चीज़ क्लियर है? बहुत अच्छे। नेक्स्ट, एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस, एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस। तो ये रहे डिफरेंस, 4 हैं, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, आराम से आप कर सकते हो कि एरोबिक में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, एनएरोबिक में एब्सेंस में होता है, ठीक है। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, एनएरोबिक साइटोप्लाज्म में होता है। यहाँ पे जो एंड प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होती है। यहाँ पे एनएरोबिक में जो एंड प्रोडक्ट होता है वो अल्कोहल हो गया और लैक्टिक एसिड हो गया। यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है एरोबिक में, एनएरोबिक में कम होती है, आपको खुद पता है, 2 ATP है ना। तो ये है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में कि बताओ बच्चों रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होते हैं? क्या? रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो बच्चों रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन के अंदर जाते हैं, ठीक है, जो जिनका ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन होता है। ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन किसका हो रहा है? ग्लूकोज का हो रहा है। किसका हो रहा है? ग्लूकोज का। तो यहाँ पे ग्लूकोज क्या है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन 1 मार्क में पूछा गया है, इसीलिए आपको पता होना चाहिए। इतनी चीज़ क्लियर है? बहुत अच्छे। नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट। अब प्लांट में गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है? देखो, अगर लीव्स की बात की जाए, लीव्स की बात की जाए, तो उसके लिए क्या है? स्टोमेटा। स्टोमेटा ये आपने फोटोसिंथेसिस वाले में पढ़ लिया है, एंड मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ाया था, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो है, तो जाके वो देख लेना, अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया है तो जाके वो वीडियो देख लेना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस क्या है। स्टेम्स में क्या होता है? तो बच्चों देखो, स्टेम्स में बेसिकली होता क्या है, कुछ सेल्स होती है जिन्हें हम बोलते हैं लेंटी सेल्स। क्या बोलते हैं? लेंटी सेल्स। छोटे छोटे पोर्स होते हैं,
उनको हम लेंटिसेल्स बोलते हैं, उनके थ्रू रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। एंड रूट्स में, रूट में तो सिंपल डिफ्यूज़न हो जाता है, रूट्स में क्या होता है सिंपल डिफ्यूज़न। तो प्लांट में इस टाइप से गैसेज एक्सचेंज होता है। लीव्स का मैंने आपको बता दिया, लीव्स में स्टोमेटा, स्टेम में लेंटिसेल्स, एंड रूट्स में बाय डिफ्यूज़न। कितनी चीज़ क्लियर हुई आपको? बहुत अच्छे। नेक्स्ट आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम फंक्शन। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम बात कर लेते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या काम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम अलाउज एनिमल टू मूव ऑक्सीजन फ्रॉम सेल्स, ऑक्सीजन एंड क्या है, रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सेल्स। तो ऑक्सीजन को मूव करना है टूवर्ड्स द सेल, इन टू द सेल, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। ये किसका काम है? ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन कौन से हैं डिफरेंट एनिमल्स में? तो देखो, ह्यूमंस में वेल डिफाइंड है, बाकी में नहीं है, ठीक है। ह्यूमंस में वेल डिफाइंड है, बाकी में नहीं है। जैसे कि अगर बात की जाए, फ्लैट वॉर्म हो गया, जेली फिश हो गया, ठीक है, इन सब में क्या होता है, इन सब में क्या होता है, जो रेस्पिरेशन होता है थ्रू डिफ्यूज़न होता है एंड थ्रू देयर स्किन होता है, स्किन के थ्रू होता है, ठीक है। स्किन के थ्रू ये गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। दीज एनिमल्स हैव अ लो मेटाबॉलिक रेट। ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या इन एनिमल्स में लो मेटाबॉलिक रेट है? तो हाँ है। रीज़न इसका क्या हो सकता है, आप ज़रा मुझे कमेंट में बताओ, बाकी फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा इसका रीज़न, ठीक है। और नहीं बताता तो आप फिर टेलीग्राम पे पूछ लेना, टेलीग्राम पे बता दूंगा, छोड़ो यहाँ पे क्या, टेलीग्राम पे ही बता दूंगा, बस याद दिला देना मुझे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या सभी जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ठीक है, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो डिफ्यूज़न के थ्रू होता है? तो सभी में नहीं होता है, सभी में नहीं होता है, ठीक है। ऑल दीज आर एक्वेटिक एनिमल्स, वाई? जो क्वेश्चन था ना ऊपर मेटाबॉलिक वाला, ये उसी से रिलेटेड है कि क्या जितने भी एनिमल्स हैं, ये जो एनिमल्स हैं इनका लो मेटाबॉलिक रेट है, और क्या सारे ही एक्वेटिक एनिमल्स हैं? तो हाँ, सारे ही एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ठीक है, सारे ही एक्वेटिक एनिमल्स हैं, बस एक को छोड़ के, ये प्लानेरिया। वैसे प्लानेरिया भी वाटर में मिल जाता है, लेकिन अगर उसको इसको छोड़ दूँ तो बाकी दो तो एक्वेटिक एनिमल्स हैं ही, ठीक है बच्चों। स्पेशलाइज स्ट्रक्चर, अब देखो वहाँ पे तो कुछ स्ट्रक्चर नहीं थे, अब आ जाते हैं स्पेशलाइज स्ट्रक्चर में, जो स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जैसे कि फिशेज में स्पेशल स्ट्रक्चर हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट में स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं, फिर देन लंग्स जो प्रेजेंट है वो वर्टिब्रेट्स में। फिश की अगर बात की जाए तो फिश में प्रेजेंट होते हैं गिल्स, फिश में प्रेजेंट होते हैं गिल्स। गिल्स का क्या काम है? रेस्पिरेशन। फिशेस में जो रेस्पिरेशन होता है वो गैसेज एक्सचेंज का जो साइट है वो क्या है? गिल्स है। स्पायरिकल्स, स्पायरिकल्स ये इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, स्पायरिकल्स इंसेक्ट में प्रेजेंट होते हैं। लंग्स जितने भी टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट हो गए उनमें प्रेजेंट है, ठीक है बच्चों। फिशेज में ज़्यादा डिटेल में पढ़ना ही नहीं है, यहाँ पे बस बताया हुआ है, ये कुछ इस टाइप से दिखता है, ये जो इनके गिल्स है ना, अल्ट्रा स्ट्रक्चर है गिल्स का, कुछ इस टाइप से हमें गिल्स देखने को मिलते हैं। तो होता क्या है, यहाँ पे जो एक्सचेंज होता है वो काउंटर करंट एक्सचेंज के थ्रू होता है। अब ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि कैसे होता है, बस इतना जानकारी रख लो। नेक्स्ट आता है, अच्छा ये क्वेश्चन है, ये बताओ जरा, जैसे कि फिशेज में जो गैसेज एक्सचेंज होता है वो गिल्स में होता है, वो होता है गिल्स में, है ना, तो ये बताओ मैमल्स में कहाँ होता है एक्सचेंज? जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो ये इसका आंसर है वो है एल्वियोलाई, वो है एल्वियोलाई। मैमल्स में जो साइट ऑफ एक्सचेंज है गैसेस की वो है एल्वियोलाई। नेक्स्ट आता है कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर यहाँ पे नेजल कैविटी, फेरिंग्स, एपिग्लोटिस एंड लैरिंग्स को हटा दिया जाए, इसोफेगस को तो काउंट ही मत करो, इनको हटा दिया जाए, तो जो मेन है रेस्पिरेटरी ऑर्गेनल्स है रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो पार्ट है वो है ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्योल एंड एल्वियोलाई। ट्रैकिया क्या है? ये बड़ी पाइप है, ठीक है, फिर वो छोटे हिस्सों में टूटते हैं जिन्हें हम ब्रोंकाई बोलते हैं, ब्रोंकाई और छोटे हिस्सों में टूटते हैं जिसे हम ब्रोंक्योल्स बोलते हैं। ब्रोंक्योल्स की सबसे छोटी यूनिट क्या है? एल्वियोलाई है।
ब्रोंकियोल्स की सबसे छोटी यूनिट क्या है? एल्वियोलाई है, जैसा कि आप ये डायग्राम में देख सकते हो। यहाँ पे अच्छे से दिखाया हुआ है, यहाँ पे अच्छे से दिखाया हुआ है कि ब्रोंकियोल कैसा दिखता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ बच्चों, पल्मोनरी रेस्पिरेशन क्या होता है, यहाँ पे मेंशन भी है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। तो समझो ज़रा, पल्मो टर्म बच्चों जब भी यूज़ की जाती है उसका मतलब होता है लंग्स, लंग्स से रिलेटेड, ठीक है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन में क्या होता है, जब गैसेस का जब रेस्पिरेशन हो लंग्स के अंदर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। इतनी चीज़ क्लियर है? बहुत अच्छे। ये और जो वेन्स आती है लंग्स से, वेन्स आती है, वेन्स और आर्टरी, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स, ठीक है, ये चीज़ क्लियर। हम कैसे ब्रीथ कैसे करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इंस्पिरेशन में हम सांस अंदर लेते हैं, तो जैसे हम सांस अंदर लेते हैं तो होता क्या है, इनहेलेशन में क्या होता है, रिब केज एक्सपेंड करता है, लंग भी एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। और जो डायफ्राम होता है वो करता है कॉन्ट्रैक्ट्स, वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। वहीं एक्सहेलेशन के टाइम पे क्या होता है, मसल्स रिलैक्स करती हैं, ठीक है, एंड जो रिब केज है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, लंग्स कंप्रेस करते हैं, डायफ्राम क्या करता है, डायफ्राम ये क्या करता है, ये ऊपर की तरफ जाता है, ये ऊपर की तरफ जाता है, डायफ्राम रिलैक्स अपवर्ड, अपवर्ड ऊपर की ओर रिलैक्स करता है, ठीक है। अब एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर एक बात बताओ कि जब हम इनहेल करते हैं तो हम एक लिमिट से ज़्यादा इनहेल क्यों नहीं कर पाते, और जब हम एक्सहेल करते हैं, मतलब जब जब हम सांस छोड़ते हैं तो जितनी एयर है सारी की सारी एयर क्यों नहीं छोड़ देते, हमारा लंग कोलैप्स क्यों नहीं करता। तो देखो इसका रीज़न है कि हमारे लंग्स में ना कुछ रिज़र्व कैपेसिटी होती है एयर की, चाहे हम सांस लें या हम इनहेल करें और एक्सहेल करें, एक रिज़र्व कैपेसिटी होती है, वो होती है। अब देखो एयर क्या है, एयर का जो वॉल्यूम है हम ml और लीटर में नापते हैं, तो 1100 से 1200 ml, ये क्या है, ये रिज़र्व वॉल्यूम है एयर का जो हमारे लंग्स के अंदर होता है, ये रिज़र्व वॉल्यूम है जो हमारे लंग्स के अंदर होता है। इसी वजह से हमारे लंग्स कोलैप्स नहीं करते हैं जब हम एक्सहेल करते हैं, और एक्सहेल की बात करते हैं यहाँ पे तो इनहेल की नहीं कर रहे हम, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। इसे हम इंस्पायरेटरी, और इसे हम क्या बोलते हैं, रिज़र्व वॉल्यूम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिज़र्व वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। इंस्पायरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम वो अलग होते हैं, बस ये इतना समझ लो, ठीक है बच्चों। इतना क्लियर हुआ आपको कि हमने सांस अंदर ली तो क्या हो रहा है, सांस बाहर छोड़ी तो क्या हो रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से देखते हैं कि एल्वियोलाई क्या है, है ना, एल्वियोलाई क्या भाई, एट द एंड अगर आप देखोगे ब्रोंकियोल्स का जो सबसे छोटा हिस्सा क्या है, वो है एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई दिखने में कैसा है, एल्वियोलाई आर मॉइस्ट थिन वॉल्ड पॉकेट्स विच आर द साइट ऑफ गैसेज एक्सचेंज। इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अ स्लाइटली ऑयली सर्फेक्टेंट प्रिवेंट द एल्वियोलर वॉल्स फ्रॉम कोलेप्सिंग एंड स्टिकिंग टूगेदर। तो वही बोला हुआ है कि यहाँ पे क्या है, जो इन पे क्या है, जो एल्वियोलाई है ना, इन पे कुछ ऑयली सर्फेक्टेंट्स होते हैं जो इनको बचाते हैं कोलेप्स होने से और चिपकने से, ताकि ये कोलेप्स ना हो और चिपके ना। यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर है, एग्ज़ाम में आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मन करे तो बना देना, किसी टीचर की इतनी हिम्मत भी नहीं होगी तो वो कि वो काट दे, बिल्कुल सही रहेगा, अगर आप बना सकते हो तो बना देना, ठीक है। ये देख रहे हो आप, ये ब्रोंकियोल है, ठीक है, ये ब्रोंकियोल है, ये आर्टरी, ये इन सबको छोड़ दो, अभी इन सबको छोड़ दो, हमें इनसे मतलब नहीं है। ये ब्रोंकियोल है, ब्रोंकियोल का ये छोटा हिस्सा, बिल्कुल सबसे छोटा हिस्सा वो क्या है, हमारा एल्वियोलाई है। इतनी चीज़ क्लियर हुई आपको, बहुत अच्छे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सर्कुलेशन एंड गैस एक्सचेंज। सर्कुलेशन एंड गैस एक्सचेंज होता क्या है वो देखो, रिकॉल द इंटरकनेक्शन बिटवीन सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। हाँ तो ये बात भी है, देखो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है और जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या है, इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड कैसे है भाई, यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ पे एल्वियोलाई में
गैस आ गई, ऑक्सीजन आ गई और कार्बन डाइऑक्साइड पहुंची। तो बस जैसी ऑक्सीजन आई छूटते ही उसका क्या होगा, सर्कुलेशन होगा, ठीक है। जैसे एक्सचेंज हुआ उसका क्या होगा, सर्कुलेशन होगा। तो यहाँ पे ये इंटरकनेक्शन समझाया गया है इस डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है कि देखो कि रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन ये एक साथ होता है, ये ऐसा नहीं है कि पहले गैस एक्सचेंज हुई फिर हुआ, ना, जैसे एक्सचेंज साथ के साथ मूव होती जा रही है गैस। फर्स्ट गैस मूव इन एंड आउट थ्रू द लंग्स, देन O2 एंड CO2 आर एक्सचेंज इन द लंग बाय डिफ्यूज़न, लंग्स में कैसा होगा, डिफ्यूज़न के थ्रू, ठीक है। फिर थर्ड क्या है, गैसेज डिजॉल्व इन द ब्लड आर ट्रांसपोर्टेड बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम। फोर्थ में क्या होगा कि जो O2 एंड CO2 है वो एक्सचेंज हो रहे हैं कहाँ पे, टिश्यू साइट पे। तो ये क्या है, ये इंटरकनेक्टेड है सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे क्या है, इंटरकनेक्टेड है, ये इसका मतलब है समझाने का, ठीक है बच्चों। व्हाट हैपेंस व्हेन यू ब्रीथ इन, जब हम सांस लेते हैं तब क्या होता है, जल्दी से बताओ। क्या हमारे जो रिब मसल है वो रिलैक्स करते हैं, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, जो एयर है वो एल्वियोलाई को लीव करती है, एयर मूव्स बिटवीन द चेस्ट वॉल एंड द लंग, जल्दी से बताओ। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया ही था, इसका आंसर ये देख लो ज़रा, इसका आंसर है डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, भी बताया था। अगर आपको देखो नहीं पता तो ये तो गलत बात है, ज़्यादा अटेंटिव हो नहीं आप, तो अभी भी मौका है दोबारा से देख लो, ठीक है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट है इन एल्वियोलस, अब एल्वियोलाई के अंदर एक्चुअली होता क्या है, एल्वियोलाई के लिए अंदर होता क्या है, देखो ये जो वॉल है ये है हमारी एल्वियोलाई की, साथ में ये जो आप देख रहे हो ना ये हमारी क्या, ब्लड कैपिलरीज है, ये है हमारी ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। तो जिसे हम पल्मोनरी वेन बोला है हमने, यहाँ पे पल्मोनरी वेन बोला हुआ है, तो पल्मोनरी वेन है यहाँ पे। अब देखो सर्कुलेटरी सिस्टम में तो जो ब्लड है वो तो सर्कुलेट होता रहेगा, वो रुकेगा थोड़ी ना किसी के लिए, वो किसी के लिए रुकेगा नहीं, तो वो कॉन्टीन्यूसली सर्कुलेट होता रहेगा। अब यहाँ पे आई ऑक्सीजन, ठीक है, ये देख रहे हो रेड रेड में, यहाँ पे आई ऑक्सीजन। अब हुआ क्या कि यहाँ पे ऑक्सीजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है ज़्यादा, ऑक्सीजन की है कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हाई, ठीक है। एंड यहाँ पे जो आपकी जो पल्मोनरी वेन है यहाँ पे है कॉन्सेंट्रेशन कम, तो बस सिंपल डिफ्यूज़न लग गया, प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस वो क्या है ज़्यादा, वो यहाँ पे ज़्यादा है, तो उसकी मदद से क्या होगा कि ऑक्सीजन यहाँ डिफ्यूज़ कर गई, चले गए। लेकिन आप यहाँ पे ये CO2 के केस में भी तो यही हो रहा है, CO2 के केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर, अगर मैं पल्मोनरी वेन की बात करूँ, ब्लड में जो वेन है उसमें अगर देखा जाए, अगर गौर से देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है यहाँ पे ज़्यादा है एंड ऊपर लंग्स में कम है, तो वहाँ वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। एंड ये एक साथ होता है। अब होता क्या है कि जैसी ऑक्सीजन कहाँ पहुँची, यहाँ पे हमारे ब्लड में पहुँची तो दो तरीके से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है, एक तो ब्लड में प्लाज्मा में डिजॉल्व कर जाएगी, ब्लड में जो प्लाज्मा है उसमें डिजॉल्व कर जाएगी ऑक्सीजन, ठीक है, उसमें डिजॉल्व कर जाएगी कुछ 3-4%, बाकी का जो परसेंटेज है, जो मेजॉरिटी है, उसमें क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है वो एक कॉम्प्लेक्स बनाएगी हमारे हीमोग्लोबिन के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाएगी, जिसे हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। इतनी चीज़ क्लियर हुई, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनने के लिए भी कुछ कंडीशन चाहिए होती है, ऐसा नहीं है कि मन करा और कभी भी बन गया, वरना ये कॉम्प्लेक्स अगर बना ही रहेगा तो फिर सेल्स तक कैसे पहुंचेगा भाई, वहाँ पे भी तो तोड़ना पड़ेगा इस कॉम्प्लेक्स को, ऑक्सीजन अलग होगी, हीमोग्लोबिन अलग होगा, तभी तो ऑक्सीजन सेल में पहुँचेगी। तो होगा क्या, देखो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स के लिए पहली बात तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ये मैटर करेगा, ये कितना है, ठीक है, PO2। दूसरा कि टेम्परेचर कितना है, एल्वियोलाई में
जहाँ पे गैसेज एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे टेम्परेचर होता है कम, यहाँ पे होता है टेम्परेचर कम, टेम्परेचर कम है तो फेवरेबल कंडीशन मिल गई ये कॉम्प्लेक्स बनने के लिए, बन गया। जैसे ही लेकिन जैसे ही लेकिन जैसे ही क्या हुआ, लेकिन जैसे ही ये जो है एक सेकेंड, लेकिन जैसे ही क्या हुआ कि ये जो कॉम्प्लेक्स पहुंचा हमारा कहाँ पहुंचा, कहाँ पहुंचा, टिश्यू में, टिश्यू में पहुंचा, टिश्यू में पहुंचा, तो टिश्यू में पहुंचा, टिश्यू में क्या वहाँ पे भाई एनर्जी रिलीज हुई है ना, टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा है वहाँ पे। अगर आप देखो जो एल्वियोलाई है जहाँ पे एक्सचेंज की साइट है वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है, CO2 का कम है, CO2 का कम है, तो बन गया यहाँ पे क्या है उल्टी कंडीशन है, कंडीशन उल्टी है तो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स है वो टूट जाएगा, वो टूट जाएगा, ठीक है। लेकिन 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 यहाँ पे केस उल्टा हो जाता है। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉम्प्लेक्स है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके लिए कंडीशन अच्छी आ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वो हीमोग्लोबिन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसे हम बोलते हैं कार्बामिनो, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी कुछ कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व फॉर्म में भी ट्रेवल करता है, लेकिन जो मेजॉरिटी है वो इस फॉर्म में चला जाता है। जैसे ही पहुंचता है टिश्यू साइट वहाँ पे एल्वियोलर साइट पे, एक गैसेज एक्सचेंज की साइट पे, पता चलता है यार यहाँ पे तो टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम है तो ये कॉम्प्लेक्स टूट जाता है, ठीक है, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स को चाहिए हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर चाहिए मतलब टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए, ऑक्सीजन का कम। अब वहाँ पे एल्वियोलाई के पास जाके तो ये उल्टा पड़ेगा, वहीं टूट जाएगा और वहाँ पे गैसेज एक्सचेंज हो जाएगी। तो होपफुली आपको इतना समझ आया होगा कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एक्सचेंज होते हैं। अब यहाँ देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन O2 डिफ्यूज थ्रू लंग वॉल कैपिलरी, ये तो बता ही दिया मैंने, O2 डिफ्यूजेस थ्रू टिश्यू कैपिलरी तो ये भी मैंने आपको बता दिया, O2 कैरिड टू टिश्यू बाया हीमोग्लोबिन तो ये मैंने आपको बता ही दिया किस तरीके से होता है। ये जो डायग्राम है इसे आप देख के आप अच्छे से समझ सकते हो कि होता क्या है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो वही चीज़ आपको बता दी है, देखो कुछ तो है बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, बाइकार्बोनेट डिजोल्व फॉर्म में, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो डिजोल्व फॉर्म में भी इस टाइप से ट्रैवल करती है, लेकिन मेजॉरिटी, ठीक है, मेजॉरिटी जो है आपका वो क्या बना लेते हैं कि 70% फॉर्म बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है, मेजॉरिटी में 70% जो है बाइकार्बोनेट आयन बनाएंगे, फिर कुछ आपका कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ठीक है, कुछ आपका डिजोल्व फॉर्म में प्लाज्मा के थ्रू घूमते जाएंगे। देखो ब्लड में कुछ तो बाइकार्बोनेट की फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए ये इतना इम्पॉर्टेंट है। सम कार्बन डाइऑक्साइड कैन बाइंड टू हीमोग्लोबिन फॉर ट्रांसपोर्ट, तो ये मैंने आपको बता ही दिया कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। एट द सेल, सेल पे क्या होता है, सेल यूज अप ऑक्सीजन क्विकली फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, व्हाट डज डू द डिफ्यूजन ग्रेडियंट। अब क्वेश्चन ये पूछा कि डिफ्यूजन ग्रेडियंट करता क्या है, अरे भैया डिफ्यूजन ग्रेडियंट ही तो है जो ऑक्सीजन के इन एंड आउट पे काम करता है, ये नहीं होगा तो ऑक्सीजन ना तो अंदर आएगी ना ही बाहर जा पाएगी, ठीक है, ये आपको समझा दिया है। डिफ्यूजन ऑफ O2 फ्रॉम लंग्स टू ब्लड इज रैपिड, जो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन है लंग्स से टूवर्ड्स ब्लड वो रैपिड है, क्यों, इसका रीज़न बताओ ज़रा, ये ऑप्शन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा क्या, ब्लड प्लाज्मा इज रिच इन ऑक्सीजन ये होगा क्या, या हीमोग्लोबिन टेक्स अप ऑक्सीजन कीपिंग प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन लो, क्या होगा बताओ जरा, इसका आंसर आप कमेंट में बताओगे, नहीं बता रहा मैं। मोस्ट ऑफ ऑक्सीजन इज इन ब्लड इज, जो ब्लड में ऑक्सीजन है वो मेजॉरिटी किस फॉर्म में है, जल्दी से जल्दी बताओ, चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन है, इन द वाइट ब्लड सेल बाउंड टू हीमोग्लोबिन कंबाइंड विद कार्बन टू मेक कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन द प्लाज्मा, जल्दी बताओ, तो इसका आंसर क्या है हमारा, बाउंड टू ऑक्सीजन। जिस बच्चे ने ये गलत किया होगा ना,
दोबारा ढंग से पढ़ लो, दोबारा ढंग से पढ़ लो, क्योंकि तुमने लेक्चर ढंग से देखा नहीं है, दोबारा से लेक्चर देखना हो ठीक है। एंड नोट्स तो बनाने ही है, पहले ही बोल दिया तुम्हें। इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग, अब देखो यहाँ तक तो आपने पढ़ लिया कि भाई कैसे ट्रांसपोर्टेशन हुआ ऑक्सीजन का, क्या रेस्पिरेशन हुआ, सब पढ़ लिया आपने। उन लोगों का क्या जो बीड़ी पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट स्मोक करते हैं ठीक है, हुक्का स्मोक करते हैं। तो देखो स्मोक करने वालों का कभी कुछ ढंग से ठीक नहीं होने वाला, घाटा ही होना है उनका, ये आपको भी पता है भाई। स्मोकिंग इज़ इंजेरियस टू हेल्थ ठीक है, स्मोकिंग है वो हमारे शरीर के लिए हेल्दी नहीं है, ख़राब है, क्योंकि हम जब स्मोक करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, अगेंस्ट द जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है वो होता है ठीक है, कार्सिनोजेनिक केमिकल्स अंदर आ जाते हैं ठीक है, टॉक्सिक निकोटीन हो जाता है जो पैरालाइज करता है सीलिया, हमारे जो सेल्स में सीलिया होता है उनको पैरालाइज करता है, तो उससे भी दिक्कत हो जाती है। और ये देख रहे हो ये कितना ग्रॉस सा दिख रहा है, ये लंग है एक, ये एक स्मोकिंग करने वाले इंडिविजुअल का लंग है, ऐसा हो जाता है ये। तो बच्चों स्मोकिंग आपको पता ही है कितनी हार्मफुल है। और देखो जहाँ भी अगर आप किसी को स्मोक करते हुए देखते हो, आप कंफर्टेबली फील नहीं कर रहे हो, तो छूटते ही बोल दो कि अंकल ऐसा यहाँ से तो निकल लो, कि मेरे सामने स्मोक तो करो मत। और चाहे फिर देखो कोई भी हो, वो बात अलग है कि लड़ाई मत ले लेना इस चक्कर में, लेकिन अगर स्मोक कोई कर रहा है तो मना करो एटलीस्ट अपने सामने। देखो मैं तो ये करता हूँ, मैं कहीं भी ट्रैवल करता हूँ या कोई अगर मेरे सामने जो है जिस मेरा जानकार है या कोई ऐसा पर्सन है मेरे बगल में बैठ के स्मोक कर रहा है, तो मैं छूटते बोल देता हूँ कि आप जो भी हो आप यहाँ स्मोक मत करो, साइड में जाके करो, मुझे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि स्मोकिंग भाई ठीक नहीं है। और देखो पब्लिकली कोई स्मोक कर रहा है, अगर आपको दिक्कत है तो आप बोल भी दोगे ना, तो हिम्मत नहीं कि वो कुछ बोले, ज़्यादा बोले तो फिर थोड़ा धमका दिया जाएगा उनको ठीक है। बच्चों एक और प्रॉब्लम है, देखो स्मोक करने से एक तो लंग्स ख़राब होते ही हैं, कैंसर का आपको पता ही है ठीक है, कैंसर का तो आपको पता ही है। उसके अलावा एक और डिजीज़ है, डिजीज़ कह लो कंडीशन कह लो, वो है एम्फिसीमा। एम्फिसीमा में क्या होता है कि जो जो एल्वियोलाई है ना वो फटने लग जाते हैं, वो फटने लग जाते हैं ठीक है, एल्वियोलाई बिकम ड्राई एंड ब्रिटल, वो सूखने लग जाते हैं, जो आपको बताया था ना ऑयली सर्फेक्टेंट होता है एल्वियोलाई में, अब वो हट जाता है, सूखने लगता है उसकी वजह से ठीक है, एंड सूखने लगता है, बिल्कुल ठोस होने लगता है और फिर फटने लगता है। और ये इरिवर्सिबल कंडीशन है, एम्फिसीमा की कंडीशन है इरिवर्सिबल। एम्फिसीमा जिसको हो गया समझ लो दिक्कत की बात है। एक और रीज़न है एम्फिसीमा का, देखो ज़्यादा खांसना भी नहीं चाहिए, ज़्यादा खांसने से भी दिक्कत आ जाती है, ब्लड आने लगता है कभी कभार, आपको पता है बहुत ज़्यादा खांसने पर ब्लड भी आता है, ज़्यादा खांसने से एल्वियोलाई है वो भी फटते हैं ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताने, टू लाइज एंड अ ट्रूथ, दो लाइज और एक ट्रूथ आपको बताने, कौन सा सही है ठीक है, इनमें से इन तीन ऑप्शन में से दो गलत है एक सही है, तो आपको बताना है कौन सा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, अरे बता दो। तो इसका आंसर है ये, निकोटीन इज़ वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट न्यूरोटॉक्सिन ऑन अर्थ, निकोटीन बहुत ज़्यादा ख़राब है हमारे लिए ठीक है बच्चों। बस इतना ही है, बाकी तो ये क्या है कि अगर आप स्मोकिंग क्विट कर देते हो, लंग ज़्यादा डैमेज नहीं हुए तो वो अपने आप खुद को हील कर लेते हैं, लेकिन जब ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा कंडीशन सिवर हो जाती है तब नहीं हो पाता है ऐसा, तब नहीं हो पाता है, अदरवाइज़ हमारी बॉडी खुद से कोशिश करती है कि हील हो जाए। सो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही, होपफुली आपको सब समझ आया होगा, आपने नोट्स बनाए होंगे, लेक्चर को लाइक शेयर कर दो अभी, तुम करते नहीं हो जल्दी से करो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।